डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, थल सेना अध्यक्ष के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती 8 दिसंबर 2021 को किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है कतर। फर्स्ट क्वेश्चन का डी आंसर सही है, कतर। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, ओमान से स्टार्ट करते हैं। ओमान की जो कैपिटल है यह है मस्कट। मस्कट ओमान की कैपिटल है। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी है ओमानी रियाल। ओमानी रियाल ये इसकी करेंसी है। बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश की जो कैपिटल है यह है ढाका। ढाका इसकी कैपिटल है और टका जो है ये इसकी करेंसी है। रशिया की जो कैपिटल है यह है मॉस्को। मॉस्को इसकी कैपिटल है और इसकी जो करेंसी है यह है रशियन रूबल। रशियन रूबल करेंसी है। अब बात हुई है यहाँ पे कतर की, तो पहले आप इसकी लोकेशन देखें। देखो ये है कतर, ये देख रहे हैं आप, ये एक यहाँ पर है। गए गल्फ कंट्रीज में है कतर, जिसकी जो कैपिटल है यह है दोहा और ये इसकी लार्जेस्ट सिटी है। करेंसी है कतरी रियाल। अब आप एक फैक्ट याद रखेगा, ये वाला जो एरिया है यह है रेड सी और यहाँ पे है पर्शियन गल्फ। इन दोनों के बीच में जो देश आता है ये आता है सऊदी अरेबिया। ये आप याद रखेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन मैपिंग में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने 7 दिसंबर 2021 को 12 कंपनियों के साथ लगभग 5051 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रिसेंटली अभी 7 दिसंबर 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने 12 कंपनियों के साथ 5051 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, महाराष्ट्र। अब ये किस किस चीज को एनकरेज करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है? तो देखो जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च, बायोफ्यूल, स्टील, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इत्यादि क्षेत्रों में ये एग्रीमेंट साइन किए गए हैं इनको एनकरेज करने के लिए। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती स्टार्ट की गई, जिसके बीज चाइना से लाए गए थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी दुलार योजना इसको स्टार्ट किया। राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी योजना और घर घर औषधि योजना इसको स्टार्ट किया। अब बात हुई है महाराष्ट्र की, तो पहले इसका करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। थर्ड पॉइंट, बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से सोवी किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। महाराष्ट्र के सफेद प्याज को GI टैग दिया गया। महाराष्ट्र की सरकार मिशन कवच कुंडल शुरू करेगी। अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा, मतलब ये स्थापित कर दिए गए हैं। वन्यजीव कार्य योजना 2021-2030 पारित करने वाला पहला राज्य ये महाराष्ट्र बन गया है। अब आप इसकी लोकेशन देखिए, ये है महाराष्ट्र की लोकेशन, ये देखिए आप। आसपास के राज्यों की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा, इन 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की जो सीमा है ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मुंबई इसकी कैपिटल है, 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हैं। बॉम्बे इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। और देखो महाराष्ट्र, गोवा और DNHDD ये है दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। नेशनल पार्क की बात करते हैं, गोगुमल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तदुबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। लेक की बात करें, लोनार लेक, वेना लेक, ये दोनों लेक एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं। अब डैम देखते हैं, कोयना डैम, इसे लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। ये कोयना रिवर के ऊपर है। मूला डैम, उज्जैनी डैम जो भीमा रिवर के ऊपर है, इसलिए इसे भीमा डैम भी कहा जाता है। जयकवाड़ी डैम, तो ये सभी डैम ये महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है संयुक्त अरब अमीरात, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इसमें क्या होगा, पहले मंडे टू थर्सडे काम होगा, टाइमिंग जो होगी
टाइमिंग होगी सुबह 7:30 बजे से लेके दोपहर के 3:30 बजे तक, और फ्राइडे को आधे दिन काम चलेगा, तो ये आप याद रखेगा। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, पेरू। पेरू की जो कैपिटल है ये है लीमा, लीमा इसकी कैपिटल है, और इसकी जो करेंसी है ये है सोल। स्वीडन की जो कैपिटल है यह है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है, और इसकी जो करेंसी है यह है स्वेदिश क्रोना, KRONA, ये इसकी करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है यह है कैनबीरा, कैनबीरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, डॉलर जो है ये इसकी करेंसी है, ये आप याद रखेगा। अब लोकेशन देखिए आप यूएई की, ये है यूएई, ये जो आप देख रहे हैं, और ये इसकी कैपिटल है अबू धाबी। इसकी आप करेंसी भी याद रखेगा, इसकी जो करेंसी है ये है यूएई दिरहम, यूएई दिरहम ये इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक मानी जाने वाली शारदा मेनन का दिसंबर 2021 में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण मिला था? तो आंसर क्या हो जाएगा, 1992। सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसी ने अपनी तरह का पहला साइबर कौशल कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य 2022 तक 1 लाख से अधिक शिक्षार्थियों को कौशल प्रदान करना है? तो माइक्रोसॉफ्ट। सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सार्क चार्टर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 8 दिसंबर को। सार्क का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फिर से बोलता हूँ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सोइल डे, 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे, और 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। और 6th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 8 दिसंबर। भारत ने 15 वर्षों में पहली बार लीग ऑफ अरब स्टेट्स के खाद्य निर्यात में किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील की आप कैपिटल याद रखेगा, इसकी जो कैपिटल है यह है ब्राजीलिया, ब्राजीलिया इसकी कैपिटल है। फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और कनाडा जो है इसकी जो कैपिटल है ये क्या है, यह है ओटावा। जापान की जो कैपिटल है यह है टोक्यो। तो ये आप कैपिटल इन सभी देशों की याद रखेगा। 1971 चार्ज ऑफ द गोरकास्ट एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी गई है रचना बिष्ट रावत के द्वारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा के रूप में मनाया जाता है? बताइए किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। 9th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 7 दिसंबर। दिसंबर 2021 में अडामा बैरो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं किस देश के, गाम्बिया के। 10th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, गाम्बिया। ये लोकेशन है ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर है वेस्टर्न साइड में, अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में है गाम्बिया, ये देख रहे हैं। ये इसकी कैपिटल है बांजुल, इसकी कैपिटल अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, बांजुल कैपिटल है, दलासी करेंसी है। और अडामा बैरो ये कौन है, ये प्रेसिडेंट है गाम्बिया के। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता? अर्जेंटीना सही है, सही आंसर है। दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने आपकी सरकार आपके साथ अभियान लॉन्च किया? मध्य प्रदेश सही आंसर है। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिसंबर 2021 में किस राज्य में 50 बिस्तर के एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया? मणिपुर सही आंसर है। दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय संपत्ति पूर्ण निर्माण कंपनी NARCL के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रदीप साहा सही आंसर है। भारत में हर वर्ष किस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 6 दिसंबर सही आंसर है। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है श्रुति सितारा। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारत और किस देश ने 6 दिसंबर 2021 को 28 समझौते किए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 दिसंबर 2021 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया? डेविस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? दिसंबर 2021 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दिसंबर 2021 में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती? दिसंबर 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमारा अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।